एक तरफ जहां अब यूक्रेन में नाटो के बड़े बड़े हथियार पहुंचना शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कवायद भी चल रही है। दरअसल अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के आगे दो टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन में युद्ध रुकता है तो वो उनकी शर्तों के हिसाब से, और अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया तो यूक्रेन में आगे भी रक्तपात जारी रहेगा, जिसके जिम्मेदार यूक्रेन और तमाम पश्चिमी देश खुद होंगे जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुतिन ने ऐसी कौन सी शर्तें रखी हैं जिनका पूरा होने पर वो युद्ध रोक देंगे। यही नहीं, पुतिन का यह भी कहना है कि वो इन शर्तों के साथ यूक्रेन के साथ किसी भी वक्त बातचीत शुरू कर सकते हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने टॉप राजनयिकों के साथ विदेश मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के सामने शांति वार्ता का ये मसौदा रखा है। पुतिन का कहना है कि हम एक और वास्तविक शांति प्रस्ताव रख रहे हैं, यदि यूक्रेन और पश्चिमी देश इससे इनकार करते हैं जैसा उन्होंने पिछली बार किया तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। रक्तपात जारी रहने में ये उनकी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी होगी। दरअसल पुतिन ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से पूरे डोनेट्स्क, लुहानस्क, जापोरिजिया और खेरसान इलाके से निकलना होगा, विशेषकर इन इलाकों की प्रशासनिक सीमाओं से बिल्कुल ठीक वैसे जब ये यूक्रेन में शामिल हुए थे। एक बार यूक्रेन इसके लिए अपनी सहमति का ऐलान कर दे और इन इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले, इसके साथ साथ नाटो में शामिल होने की योजना पर दोबारा घोषणा करे, इसके तुरंत बाद हम युद्ध विराम कर देंगे और बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। इन शर्तों के अलावा पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन एक गुटनिरपेक्ष और गैर परमाणु स्थिति अपनाए, तभी इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है। इसके साथ ही यूक्रेन का गैर सैन्यकरण और नाजीकरण से मुक्ति जरूरी है। इन्हीं मानकों पर व्यापक रूप से साल 2022 में इस्तांबुल में सहमति बनी थी। इसके अलावा पुतिन का कहना है कि हम यूक्रेन के साथ जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हैं, हम इसमें जटिलताओं से भी अवगत हैं। पुतिन का कहना है कि हम कल ही यूक्रेन के साथ बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम विशेष कानूनी परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ हैं। इसके बावजूद उनके संविधान के अनुसार भी वैध अधिकारी हैं जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। पुतिन का अपने इस बयान से कहने का मतलब ये है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उन्होंने चुनाव रद्द कर दिए हैं। वो अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में सारी ताकत यूक्रेनी सांसद में निहित है। यूक्रेनी संविधान सत्ता पर कब्जा करने की इस कोशिश का अवैध मानता है। पुतिन का कहना है कि इसकी जड़ साल 2014 में हुए तख्तापलट में निहित है। उस वक्त सैन्य समूह ने यूक्रेन की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, ये पूरी तरह से असंवैधानिक था और अब यूक्रेन एक बार फिर से 2014 की स्थिति में पहुंच चुका है।